जेस पर्सन का जन्म 6 अप्रैल 1955 को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के शिलीवैक में लेस्ली और ग्लेडिस जेफरसन के घर हुआ था। वो मध्य संतान था और उसके 2 भाई और 2 बहनें भी थी। उनके पिता एक मगरूर शराबी थे। जेस पर्सन के अनुसार उनके पिता और दादा हिंसक प्रवृत्ति के थे। उनके पिता ने इस बात को साफ इनकार कर दिया था, लेकिन लेखक जैक ऑल्सन ने अपनी पुस्तक की जांच के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हुई कथित दुर्व्यवहार की पुष्टि की। उनके अपने परिवार वाले उनके साथ एक बहिष्कृत की तरह व्यवहार करते थे और अक्सर उनके ऊंची कद की वजह से अन्य बच्चों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता, जिसकी वजह से वे सैला वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट जाने के बाद बाकी बच्चों के बीच खुलने और बातें करने से हिचकते थे। उनके भाइयों ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें इगर या एक आदि नाम दिए, एक ऐसा नाम जो उनके पूरे स्कूल के दौरान उनके साथ अटका रहा। इस वजह से वे काफी संकोचित थे और ज्यादातर समय अकेले ही खेलते। वो अक्सर अपने शरारतों और गुस्से की वजह से मुश्किल में पड़ जाते और उनके पिता उनकी बेरहमी से पिटाई कर देते। उनके पिता ने कई बार उनकी दूसरों के सामने बेल्ट से पिटाई की और एक बार उन्हें बिजली का झटका भी दिया। उनके साथ 14 साल की उम्र में रेप भी हुआ। छोटी उम्र में जेस पर्सन में जानवरों को प्रताड़ित करने और मारने की प्रवृत्ति दिखाई थी। उन्होंने महज 5 साल की उम्र में ही जानवरों को पकड़ना और उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे जानवरों को एक दूसरे को मरता देख और उनकी जान लेने से एक अजीब सी खुशी मिलती। यह सिलसिला उसके बड़े होने के साथ साथ चलता रहा। ट्रेलर पार्क जहां वो और उसका परिवार रहता था, वो अक्सर आवारा बिल्लियों, कुत्तों और पक्षियों को पकड़ लाता। उनका गला घोटने से पहले उनको बुरी तरह से पीटता। उसका कहना था कि उसके पिता को उसके ऐसा करने पर गर्व था। आने वाले वर्षों में वह अक्सर इस बारे में सोचते थे कि एक इंसान के साथ ऐसा करना कैसा लगेगा। दूसरों को चोट पहुंचाने की इसकी इच्छा पहली बार जाहिर 2 हत्याओं के प्रयास में हुई। पहली दफा जब उसने अपने दोस्त मार्टिन को बुरी तरह से पीटा। जब वह लगभग 10 वर्ष का था, तब अक्सर वे दोनों एक साथ मुसीबत में पड़ जाते थे और कई बार मार्टिन की गलतियों की सजा उसे मिलती। उसके बाद उसने मार्टिन को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, जब तक उसके पिता ने दोनों को अलग किया। बाद में उसने कहा कि उसका इरादा इस लड़के को मार डालने का था। दूसरी दफा जब उसने एक पब्लिक स्कूल में एक लड़के को डुबोने की कोशिश की, लगभग 1 साल बाद जब वह एक झील में तैर रहा था, तब एक लड़के ने उसे पानी के अंदर खींच लिया था, जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। बाद में एक पब्लिक पूल जेफरसन ने उसे पानी में डूबने के लिए तब तक पकड़ रखा था जब तक एक लाइफगार्ड ने उसे खींच नहीं निकाला। वो 1973 में हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, लेकिन अपने पिता के कारण कॉलेज नहीं गया। हालांकि जेफरसन की हाई स्कूल में लड़कियों से ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद वह एक रिश्ते में था। 1975 में जब वो 20 वर्ष का था, उसने रोज हकी से शादी की और इस जोड़े के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। वह अपने परिवार का गुजारा ट्रक चलाकर करता। 14 साल बाद जब कुछ अनजाने औरतों के फोन आने लगे, तो हकी को जेफरसन के अफेयर्स होने का शक हुआ। इससे शादी में तनाव बढ़ गया और जब वह घर पर नहीं था, हकी ने बच्चों के सामान को पैक किया और 200 मील दूर स्पोकेन वॉशिंगटन में अपने माता पिता के साथ रहने चली गई। सबसे बड़ी बेटी मेलिसा तब 10 साल की थी। जब भी वह शहर में था, उसने अपने बच्चों के साथ समय बिताना जारी रखा। 1990 में दोनों का तलाक हो गया। जेफरसन ने 35 साल की उम्र में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस में शामिल होने की दिशा में काम करना शुरू किया था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट के कारण इस महत्वाकांक्षा को छोड़ना पड़ा। उसने चेनी वॉशिंगटन से फिर से इंटरस्टेट ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू किया। उसने जल्द ही महसूस किया कि इस नौकरी ने उन्हें बिना किसी संदेह के खून करने का मौका दिया है। टॉन्जा बेनेट, जो 21 जनवरी 1990 को पोर्टलैंड के आसपास थी, जेफरसन की पहली शिकायत बनी। एक बार में उसने उसे अपना परिचय दिया, एक किराए के घर में ले गया। बेनेट से बहस के बाद उसने अपने हाथों से गला घोटकर उसे मार डाला और उसके शरीर को ठिकाने लगा दिया। लेवन पेवलिनैक ने जब बेनेट की हत्या के चलती जांच के बारे में सुना, तो इसमें अपने सन की लिव इन बॉयफ्रेंड जॉन से छुटकारा पाने का तरीका देखा। मीडिया में मिली जानकारी का इस्तेमाल कर उसने एक ठोस कन्फेशन को तैयार किया, पुलिस के साथ एक मीटिंग की और बताया कि कैसे जॉन ने उसे बेनेट के साथ बलात्कार करने, मारने और निपटाने में मदद करने के लिए मजबूर किया। 5 मार्च 1990 को पेवलिनैक और जॉन दोनों को हिरासत में लिया गया और 8 फरवरी 1991 को दोनों को हत्या का दोषी ठहराया गया।
मौत की सजा से बचने के लिए जॉन ने नो कॉन्टेस्ट प्लिया दायर की। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली, जबकि पेल्विनैक को कम से कम 10 साल की सजा हुई, जो उसकी अपेक्षा से काफी लंबी अवधि थी। उसने बाद में स्वीकार किया कि उसकी पूरी कहानी झूठी है, लेकिन उसके दावों को खारिज कर दिया गया था। बेनेट की हत्या के बाद, जबकि पूरी दुनिया का ध्यान पेल्विनैक और जॉन पर था, तब जेस्परसन ने एक ट्रक स्टॉप के रेस्ट रूम वॉल पर एक कन्फेशन लिखा था और एक हैप्पी फेस के साथ उस पर हस्ताक्षर की। लेकिन जब उस पर किसी का ध्यान नहीं गया तो उसने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और पुलिस एजेंसीज को लेटर लिखकर अपनी हत्याओं की बात कबूल करनी शुरू कर दी। उसने द ओरेगनियन को 6 पेज का एक लेटर लिखा, जिसमें उसने अपनी हत्याओं की बारीकियों का खुलासा किया। जेस्परसन ने हर एक लेटर के आखिर में एक हैप्पी फेस बनाया। द ओरेगनियन के रिपोर्टर फिल ने इसके परिणाम स्वरूप जेस्परसन को द हैप्पी फेस किलर करार दिया। कैलिफोर्निया के ब्लाइथ के करीब 30 अगस्त 1992 को एक औरत का शव मिला, जिसकी जेस्परसन द्वारा बलात्कार और गला घोटकर हत्या की गई थी। जेस्परसन ने उसका नाम क्लॉडिया बताया। सिंथिया लेन रोज का शव 1 महीने बाद कैलिफोर्निया के ट्रक रोड में मिला। उसके अनुसार रोज एक ट्रक स्टॉप पर उसके ट्रक में तब घुसी जब वो सो रहा था और एक सेक्स वर्कर थी। लॉरिन एंड पेंटलैंड सेलेम ओरेगन की एक सेक्स वर्कर उसकी चौथी शिकार बनी। उसके शव के बारे में नवंबर 1992 को पता चला। उसके अनुसार पेटलैंड ने उसके साथ सेक्स के बाद दुगनी कीमत मांगी। पुलिस की धमकी देने पर उसने उसका गला घोट दिया। जून 1993 में कैलिफोर्निया के सेंटानेला में जेस्परसन ने अपना अगला शिकार किया। वह पैट्रिसिया थी, जिसकी पहले पहचान नहीं हुई थी, और उसने कहा कि उसने अपना नाम क्लारा या सेंडी बताया था। उसकी मौत को शुरू में पुलिस ने नारकोटिक ओवरडोज को ठहराया था। सितंबर 1994 में फ्लोरिडा के क्रेस्टव्यू के पास एक और अज्ञात शव की खोज की गई। जेस्परसन ने उसका नाम सुजैन बताया। एक साल बाद उसने स्पोकेन वॉशिंगटन से इंडियाना तक एंजेला को लिफ्ट देने की बात कबूली थी। सफर के दौरान उनकी बहस हुई। जेस्परसन ने उसका जवाब उसका रेप और गला घोट कर दिया। बाद में उसके शरीर को ट्रक से नीचे बांधकर चेहरे के बल घसीटा। 2 महीने बाद जेस्परसन का आखिरी शिकार वह अपराध था जिसके कारण से पकड़ लिया गया। उसका मानना था कि जूली उसके पैसों के पीछे थी, जिसकी वजह से उसने अपने प्रेमी को मार डाला। हालांकि उसकी मौत के मुख्य संदिग्ध के रूप में जल्द ही उसकी पहचान होने से 30 मार्च 1995 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1 सप्ताह पहले पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, लेकिन सहयोग करने से इनकार करने के कारण वे गिरफ्तार नहीं कर सके। आत्महत्या के 2 असफल प्रयास के बाद जेस्परसन ने महसूस किया कि अब पुलिस उसे जरूर पकड़ लेगी, और एक उदार सजा पाने की उम्मीद में उसने खुद को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। पकड़े जाने पर उसने अपनी हत्याओं की बारीकियों पर चर्चा करना शुरू कर दिया और कई आरोप लगाए, जिनमें से अधिकांश को उसने वापस ले लिया। उसे अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले अपने भाई को भेजे गए एक पत्र में 5 साल के दौरान 8 लोगों की हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद कई राज्यों में पुलिस विभागों ने पुराने मामलों को फिर से खोल दिया, जिनमें से कई जेस्परसन के विक्टिम निकले। जेस्परसन की बेटी मलिसा ने 2008 में शटर्ड साइलेंस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर्स डॉटर नाम से किताब लिखी, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल के दौरान अपने पिता के मतभेदों को बताया। मेलिसा अपने पिता के साथ तब तक रही जब तक उनके माता पिता का 1990 में तलाक नहीं हो गया। मेलिसा के अनुसार जेस्परसन उन चूहों और आवारा बिल्लियों को मार डालता जो उनके घर के पास घूमते, जो एक सेब के बगीचे में बगल में था। एक दिन वह अपने पिता को आवारा बिल्ली के बच्चे को कपड़े सुखाने वाली रस्सी से लटकाते हुए देखकर डर गई। वह अपनी माँ को लेने के लिए दौड़ी, और जब वे लौटी तो बिल्ली के बच्चे जमीन पर मरे पड़े थे। वह बिल्ली के बच्चे को जान बचाने के लिए एक दूसरे को पंजा मारते देख हंस रहा था, फिर उसने उन्हें मार डाला। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।